बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखिए गाइस, ये उसी दिन की क्लिप है, लेकिन मैंने नहीं डाली थी और बस मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट डे डालूँगी मैं इसको। और ये देखिए उसी दिन की है ये, और ये मेरा लिविंग रूम कंप्लीट कर ये मेरे बेडरूम में आ गए हैं। और ये देखिए आप, मेरे रूम की जहाँ जहाँ से पुट्टी ख़राब हो रही थी वहाँ से ये पुट्टी कर रहे हैं। और ये देखिए आप, वैसे तो रूम काफ़ी हद तक सही था, लेकिन बस मुझे कुछ ये कलर भी मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करा लेती हूँ, अच्छा लगेगा। और काफ़ी मतलब ये साइड के जो है ओपन दीवारें थी ना, ये जो दिख रही थी यहाँ से ज़्यादा मेरी ये ख़राब हो रही थी, ये वाली वॉल ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और एक ये बेड के सामने वाली। तो फिर मैंने सोचा लाओ रूम भी सही करा लेती हूँ मैं। ये देखें आप, बस सभी रूम का सामान तो बाहर चला ही गया था, बस ये जो दो मेरे कवर्ड रखे हैं ये बहुत हैवी भी है, और ऊपर से ये दरवाज़े में कुछ जाते भी नहीं, इनको आड़ा करके ले जाना पड़ता है। और ये देखें आप, पुट्टी जहाँ जहाँ से ख़राब थी इन्होंने कर दी है सही, बस अब ये कलर कर रहे हैं। देखें आप, मतलब काफ़ी मतलब स्पीड में करते हैं ये काम भी, और जल्दी कर दिया था इन्होंने मेरा। उसी दिन इन्होंने मेरा लिविंग रूम भी कर दिया था और ये बेडरूम भी, दोनों ये इन्होंने मुझे एक ही दिन में दे दिए थे। यहाँ तक कि दरवाज़ों पे जो पेंट हुआ था वो भी सब इन्होंने एक ही दिन में कर दिया था। काफ़ी अच्छे कारीगर हैं। और ये देखें आप, ये मेरे सामने की जो वॉल है ये वो है, ये बेड वाली, ये जो ये ऑरेंज है ये। बस घर में काम क्या हो रहा है, ये पूरा घर का सामान सब इधर इधर फैला पड़ा है, और जो बेड के अंदर के जो ये बॉक्स होते हैं इनमें जो सामान होता है वो भी सब बिखरा हुआ है, और कपड़े तो इतने पड़े हैं बाहर निकले हुए बहुत ज़्यादा। सोच रही हूँ बस किस तरह होगा, कैसे हेयर करना तो पड़ेगा ही, और सारा फैला हुआ पड़ा है सब बॉक्स, सभी बॉक्स में कपड़े रखे रहते हैं तो इतना है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर हम, मेरे पास स्टोर तो नहीं है, हमारे यहाँ ये जो घर है इसमें स्टोर बना हुआ नहीं है, तो सब कुछ मुझे जो ये मेरे बेड है, बेड के जो बॉक्स होते हैं इनमें ही एडजस्ट करना होता है सभी कुछ। और ये देखिए आप, सब मतलब निकला हुआ है, अभी तो खैर कलर हो रहा है, फिर उसके बाद ये जो रूम है मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे से। काफ़ी हद तक मेरा रूम हो भी चुका है, बस अभी दूसरा हाथ लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा रूम भी। बस ये जो मेरे कबर्ड रखे हैं इन्होंने ऐसी तरह इसको सरका पर ऐसे ही बस रूम के अंदर ही करके इनको सही कर दिया था, क्योंकि इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि इनके अंदर के जो मतलब कपड़े रखे हुए हैं वो नहीं निकाले थे मैंने। ये भैया बोल रहे थे वो इन्हीं में रहने दो, जो बॉक्स में है वो निकाल लो आओ, हम ऐसे ही मतलब वो कर लेंगे। मैंने कहा चलो। और ये देखिए आप, सारा मतलब कंप्लीट होता जा रहा है। मेरी जो ऊपर की छत है ये तो पूरी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है बस। काफ़ी टाइम हो गया था हमें मतलब कलर भी कराए हुए, काफ़ी मतलब टाइम हो गया था। ऐसे तो बरसात की मौसम चल रही है, इतना पानी रोज़ मतलब बारिश रोज़ ही हो जाती है, और आज भी मतलब बीच में एक दो बार आई है, लेकिन वो क्या है ना, वो जो हमारा रिपेयर जो कराई थी लिविंग रूम की छत, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा था,
फिर मैंने सोचा अब सामान तो निकला हुआ ही है, मैंने सोचा चलो कलर भी करा लेते हैं, फिर बार बार निकालने की बहुत दिक्कत रहती है, एकदम से तो सामान निकल नहीं पाता है। अब इनके निकला हुआ है तो बस अब करा लो, चाहे मतलब जो बाहर का ओपन एरिया है वो बाद में करा लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, बहुत ज़्यादा, दिन में एक दो बार बारिश हो ही जाती है, और सभी सामान मेरा बाहर रखा हुआ है और बस बारिश हो रही है। खैर मैंने उन पर मैट वगैरह डाल दिया था, लेकिन फिर भी भीग तो जाती ही है। और ये देखें आप, ये मेरे जो कबर्ड के पीछे की जो वॉल है वो कर रहे हैं, और ये सामने वाली वॉल है, काफ़ी मतलब स्पीड में काम करते हैं ये भैया। इसमें तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है, ये मत समझना कि इतनी स्पीड से करते हैं। और ये देखें आप, ये मेरी जो सामने वाली वॉल है, ये मैं ये बोल लेते कि आप हम थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन बना देते हैं इस पर। ये इन्होंने मंगाया था, ये मेरी पसंद का है, ये स्टेंसिल मैंने मंगा के दिया है इनको, और कह लेंगे हाँ आप ये मंगा लो स्टेंसिल और रोलर, तो हम इस पर थोड़े से फ्लावर्स वगैरह बना देंगे, अच्छे दिखेगी ये वॉल। मैं इनसे बोली थी कि तो मेरा पूरा ऑफ वाइट हो गया है रूम, बहुत लाइट शेड सा हो गया है, कह लेंगे कोई बात नहीं हम इस पर डिज़ाइन बना देते हैं। मैंने कहा हाँ ये डिज़ाइन अच्छा भी लग रहा था मुझे, बनने के बाद बहुत प्यारे दिख रहे थे ये फूल, देखें आप सभी फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और मतलब बहुत सफाई से करते हैं जो भी मतलब वर्क करते हैं ये भैया, बहुत सफाई से करते हैं, और मतलब इनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऐसे करो वैसे करो कुछ नहीं, कहेंगे नहीं हम आपका रूम बहुत अच्छा करके जाएंगे। ये देखें आप कितनी मतलब सफाई से कर रहे हैं ये, सामने की जो वॉल है ना मेरी उस पर ही बनवाए हैं ये, इधर मेरा पेंट चल रहा है दरवाज़ों का, क्योंकि मैंने आपको अपनी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि इन्होंने एक ही दिन में मेरा सारा वर्क कर दिया था, जितना भी लिविंग रूम और बेडरूम का था जो भी, सब इन्होंने एक ही दिन में करके चले गए थे ये भैया। और ये देखें आप एक इधर साइड में बना रहे हैं, और बनने के बाद ये गाइस बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और सामने की जो वॉल थी वो भी बहुत ही मतलब अच्छी दिख रही थी। इससे पहले इन्होंने मेरे मतलब बटरफ्लाई बना कर गए थे, वो भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये उसे भी अच्छी लग रही है। और ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये जो मेरा भी बॉर्डर आ रहा है इसे ऑरेंज कर रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट की ऑरेंज के साथ बहुत अच्छी दिखती है, और मुझे ऑरेंज कलर पसंद भी है। और ये देखिए आप, जब रूम में कलर हो गया था पूरा कंप्लीट हो गया था ये, तो मैंने यहाँ से सारा वॉश कर दिया था पूरा फर्श अपना, और वॉश होने के बाद मैट बिछने के बाद ऐसा ही हो जाता है फर्श। और ये देखिए आप, मैंने पूरा फर्श अपना वॉश कर दिया है, और अपना अच्छे से इसे सूखे कपड़े से सुखा भी दिया है, बस सब हस्बैंड मैट लाए थे ये, अब हम दोनों मिलकर ये बिछा लेंगे। ये देखें आप, पहले गाइस मेरा ग्रीन कलर था, और ये अब के ये थोड़ा मैं चेंज करके लाई हूँ, और यहाँ पर ये मैं बैठ के बिछा रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ ये जो कॉर्नर होते हैं इनकी, क्योंकि मैन जो होता है मैट बिछाने में कॉर्नर की ही कटिंग का होता है, तो फिर सेट अच्छे से हो जाता है। ये देखें आप, और गाइस मिर्च पे मुझे बहुत अच्छे से आता है फर्श बिछाना। ये देखें आप, ये हम दोनों ने ही बिछाया है, देखें आप पूरे रूम का फर्श, देखें आप ये मेरा मैट
कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं पूरे रूम में मैट बिछा चुकी हूँ और बिछने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा लुक आ रहा है। देखें आप, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन बस सब फैला हुआ है तो करना तो पड़ता है। और ये देखें आप, ये मैंने अपने कबर्ड भी लगा लिए और ये जो मेरे फर्नीचर है, बेड और ड्रेसिंग, ये भी रख लिए। अभी मैं ये ड्रेसिंग वगैरह, बेड अभी मैं क्लीन नहीं करूँगी, सुबह करूँगी। ये रात का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे होंगे और बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखें जो बॉक्स में मेरे ये कपड़े वगैरह है, ये सब ये दीवान बॉक्स में, ये वही है। और यहाँ पर भी मैं ही लेटी थी, बहुत थकान हो रही है। ये देखें आप, ये सारा सामान इसी तरफ बिखरा हुआ रखा है, बस सब फैला हुआ। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।